मुझे हम लोगों ने प्लांट किंगडम चैप्टर में पहले डिवीजन एल्गा डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हम लोग डिवीजन ब्रायोफाइट डिस्कस किए थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिवीजन ब्रायोफाइट कंप्लीट किया था और आज हम लोग देख रहे हैं टेरिडोफाइट। ठीक है, जो बच्चे क्लास में नहीं आ सकते हैं वो लोग वीडियो वॉच कर लें। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट को हम लोग क्या बोलते थे, एम्फीबियन प्लांट किंगडम्स। ठीक है, और टेरिडोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब जितना इनके बीच में चेंजेस है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में, इतना ही ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट के बीच में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो प्लांट की लेंथ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जितना स्नेक का ऑलमोस्ट लेंथ होता है इतनी प्लांट की लेंथ होती है टेरिडोफाइट्स में। ठीक है बच्चे, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड टेरिडोलॉजी, टर्म टेरिडोफाइट गिवन बाई हैकल जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। दे आर फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस प्लांट। वेस्कुलर का मतलब होता है कि इसमें क्या जाइलम और फ्लोएम आपको दिखेगा, है ना, बट नॉन सीडेड प्लांट होंगे। कैसे होंगे प्लांट्स, नॉन सीडेड, विदाउट सीडेड प्लांट्स। दे आर मोस्ट हर्बिशियस, हर्बिशियस का मतलब होता है जिनके अंदर कौन सी रूट होंगी, एडवेंटिशियस रूट्स होंगी, जिनको ट्रू रूट्स भी आप बोलते हो, फाइबरस रूट बोल सकते हो। एंड ग्रो इन मोस्ट ऑफ द शेडी प्लेस, कहाँ पे ग्रो करती हैं, शेडी प्लेस पे ग्रो करेंगे बच्चे। तो अब इसमें आप लोगों ने क्या याद रखना, एक्वेटिक टेरिडोफाइट कौन से होते हैं, देखो एक्वेटिक टेरिडोफाइट जो है हमारे पास एजोला आ गया, ठीक है, सेल्विनेला आ गया, ठीक है, हर्सिला आ गया, है ना, जीरोफिटिक, जीरोफिटिक मतलब जहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी हो, जीरोफिटिक टेरिडोफाइट, स्लेजनेलिया आ गया, रूपिस्टेरिस आ गया, और आर ब्रायोप्टेरिस आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, संजीवनी प्लांट। एक ये याद कर लेना और एक ये याद कर लेना, यहाँ से ये दो याद कर लेने हैं। ठीक है, एक्वेटिक टेरिडोफाइट और जीरोफिटिक टेरिडोफाइट होते क्या है? अब स्मॉल और लार्ज सुपीरियर की बात कर रहे हैं। टेरिडोफाइट जो है उसकी हाइट 1 मीटर से कम ही होती है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट एजोला और टालेस्ट जितना भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसोपिलिया, एसोपिलिया एल साइलेंट रहेगा। जनरल करेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट, यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जेके बोर्ड में। ठीक है, और जितने भी करेक्टर्स हैं वो आपको डिटेल में थोड़े देखने हैं और उन करेक्टर से आपका MCQs बन जाता है आपके नीट के लिए, CUET के लिए। द प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। हम लोग लाइफ साइकिल में भी देखेंगे कि ज़्यादा देर तक प्लांट की कौन सी स्टेज जो है उस पर डोमिनेंट रहेगी, स्पोरोफिटिक स्टेज जो है ज़्यादा देर तक प्लांट के लाइफ साइकिल में रहेगी टेरिडोफाइट के केस में। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ। पहली बार डिफरेंशिएट हुआ है रूट, स्टेम, लीफ टेरिडोफाइट के अंदर, नहीं तो क्या होता था, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते थे ब्रायोफाइट्स में, जैसे राइजॉइड हो गया, है ना। तो यहाँ पर पहली बार ट्रू रूट्स आपको देखने को मिली हैं। रूट्स देख लीजिए, दे हैव एडवेंटिशियस रूट्स, कैसी हैं, दे आर एडवेंटिशियस रूट्स एंड ट्रू रूट्स। ठीक है बेटा, देखो स्टेम कैसी होगी बच्चे, स्टेम देख लीजिए, इन द मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट स्टेम इज हर्बेशियस एंड अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। स्टेम कैसी होगी, जो अंडरग्राउंड होंगी उनको हम राइजोम्स बोलेंगे। ऐसे हर्बेशियस स्टेम्स होती हैं, मतलब वो स्टेम्स है ना जो हाथ से टूट सकती हैं, मतलब छोटी छोटी होती हैं, जैसे आप लोग हर्बेशियस, हर्ब्स है ना, छोटे छोटे प्लांट्स, और श्रब्स जो होते हैं बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, फिर उससे भी बड़े ट्रीज कहलाते हैं। थिन हेयर लाइक ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर कवर्ड बाई द राइजोम कॉल्ड रोमेंटा। ठीक है, जैसे हिस्टीरिया फंगस का पाइनस के सराउंडिंग होता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, राइजोम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको रेमेंटिया बोला है। लीफ कैसे होते हैं, माइक्रोफिल लीव्स, स्मॉल लीफ इज कॉल्ड माइक्रोफिल। इन टेरिडोफाइट देयर मे बी स्मॉल माइक्रोफिल्स लीफ। इन स्लेजनेला कैसे होंगे, स्लेजनेला में लीफ कैसे होंगे, माइक्रोफिल होंगे। एंड लार्ज लीफ मैक्रोफिल्स प्रेजेंट इन फर्न। स्लेजनेला और फर्न में दो टाइप के लीफ होंगे, माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स, और दोनों किसके अंडर आते हैं, डिवीजन टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं। लार्ज फोटोसिंथेसिस लीफ ऑफ फर्न इज कॉल्ड फ्रंट। फर्न के अंदर जो लार्ज लीफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्न, फ्रंट। द लीफ हैविंग स्पोरेंजिया कॉल्ड स्पोरोफिल। ठीक है, और स्पोरेंजिया कंटेन स्पोरोजिनस टिश्यू, दीज टिश्यू प्रोड्यूस स्पोर, मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस स्पोर। ये वो वाली कंडीशन होगी, ये जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू आ गई, स्पोरेंजियम आ गया, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू आ गए, और इनमें से हर एक जो है वो क्या कहलाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इन वाक्यों से जब ये अपना साइज अटेन करेगा ये क्या कहलाएगा,
स्पोर मदर सेल्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल्स क्या करेगा, मियोसिस करेगा और आगे हमारे पास चार क्या बनेंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए इन सम टेरिडोफाइट्स लाइक स्लेजिनिला इक्विस्टम द स्पोरोफिल्स में बी कम्पैक्टली अरेंज इन टू स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिला। ठीक है, ये जो टेरिडोफाइट में स्लेजिनिला इक्विस्टम स्पीशियस हैं, इनके अंदर जो स्पोरोफिल की एक कम्पैक्टली अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस, ऐसा जैसा स्ट्रक्चर जो लीफ की एक कम्पैक्ट अरेंजमेंट है। तो ये स्ट्रोबिलस आ गया, ये इसके क्या आ गए, ये नोड्स आ गए, ये वाला पार्ट आ गया इंटरनोड। ठीक है बच्चे, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ब्रांचेस आ गए। ठीक है, देखो ये ऐसा प्लांट होता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस एंड हेटरोस्पोरस। टेरिडोफाइट जो हैं वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेटरोस्पोरस भी हो सकते हैं। तो ऐसे टेरिडोफाइट जो होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस हैं उनको हम बोलते हैं लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरस। लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरस। द टेरिडोफाइट्स विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर इज कॉल्ड हेटरोस्पोरस, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। जो हेटरोस्पोरस होगा तो वो प्लांट, उसमें दो स्पोर्स होंगे, माइक्रो भी होंगे और मैक्रो भी होंगे, इसीलिए उसको हेटेरो। और होमोस्पोरस या तो मेगा होंगे या तो माइक्रो होंगे। ठीक है बच्चे, देखो तो हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस जो है हमारे टेरिडोफाइट विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरस। कौन कौन से, मैसीलिया, कौन कौन से, मैसीलिया, स्लेजिनिला, एजोला और सेल्वेना, ये चार नाम याद करने हैं। जो क्या हैं, ऐसे टेरिडोफाइट जो दो काइंड के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। मेगा एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। मेगा क्या प्रोड्यूस करेगी, गेमेट, फीमेल, और माइक्रो क्या यूज करेगा, मेल। ठीक है, ये होती है फीमेल और ये होता है मेल। ठीक है, एंड गिव राइज टू फीमेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। गेमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन। इसमें भी गेमेटोफाइट स्टेज पे मेल और फीमेल को दो सेक्स आर्गन होंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। जो एंथ्रीडियम है बच्चे, जो एंथ्रीडियम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल सेक्स आर्गन, मेल सेक्स आर्गन। आर्चिगोनियम जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स आर्गन। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई सबको। होमोस्पोरस आर मोनोशियस और हेटेरोस्पोरस आर डाइशियस। यहाँ पे ये चीज़ सीख लेना, मोनोशियस और डाइशियस क्या होता है। देखो होमोस्पोरस को हम लोग मोनोशियस कहते हैं, इसका मतलब मेल और फीमेल जो होंगे वो कैसे होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल होंगे। ठीक है बच्चे, अब ये एक प्लांट है, इसके ऊपर कैसे हैं, यहाँ पे फीमेल आ गया, यहाँ पे मेल आ गया, और दोनों कैसे हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं। कैसे हैं, माइक्रोस्पोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं, मतलब मोनोशियस प्लांट बॉडी है ना। तो डाइशियस का मतलब, जैसे आप लोग बोल सकते हो एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, इस पे क्या है, मेल है, और इस पे क्या है, फीमेल। अलग अलग प्लांट पे दोनों सेक्सेस का प्रेजेंट होना, ये प्लांट बॉडी क्या है, मोनोशियस, और फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल। ये थोड़ा उल्टा हो गया। देखो बच्चे, इसको हम ऐसे भी सीख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मोनोशियस और डाइशियस टर्म्स को सीखने के लिए ये टर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, बाईसेक्सुअल होती है। कैसी होती है, डाइशियस होती है। कैसी होती है प्लांट बॉडी, डाइशियस। और जो बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है, जो बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है बच्चे, तो उसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, मोनोशियस होती है। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपका डाइशियस और ये आ गया आपका मोनोशियस। ठीक है, तो डायोशियस के केस में हेटरोस्पोर गैमेट होगा, इसके केस में हेटरोस्पोर गैमेट होगा, और मोनोशियस के केस में कैसा होगा,
बाइसेक्सुअल मतलब मोनोशियस के केस में होमोस्पोर और डायोशियस के केस में हीट्रोस्पोर। याद रखना यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमेशा डायोशियस होते हैं, और आप यहाँ पर यूनिसेक्सुअल लीफ बोल सकते हो, और बाइसेक्सुअल लीफ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोशियस होते हैं। क्लियर है बच्चों? मेल सेक्स ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एंथ्रीडियम प्रोड्यूस मेल गैमेट दैट इज नोन एज एंथ्रोजॉइट्स, और एंथ्रोजॉइट्स आर मल्टी सेलुलर स्पायरल एंड डाइफ्लेजिलेटेड आर्चिगोनियम विद शॉर्ट कर्व्ड नेक एंड स्वेल ऑन वेंटर वेंटर स्मॉल वेंटर कैनाल सेल्स एंड लार्ज फर्टाइल एग। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखो ऐसे ही जैसे आपके पास आता है द मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड कीमोट्रैक्टिकली अट्रैक्ट टूवर्ड आर्चिगोनिया ड्यू टू मैलिक एसिड, किसकी वजह से, मैलिक एसिड के चलते, एंड फर्टिलाइज्ड विद एग एंड प्रोड्यूस जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशंस। ठीक है, अब फर्स्ट सेल है जो स्पोरोफिटिक जनरेशंस में आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक, इन हेटेरोस्पोरस स्पीशीज द फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन ऑन प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट वेरिएबल पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज ऑल्सो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ये इवेंट जो है आगे जाके किस में चेंज हो सकता है, सीड हैबिट्स में चेंज हो सकता है। टेरिडोफाइट की कितनी क्लासें हैं बच्चे, याद रखनी है चार क्लासें, एक साइलोप्सिडा, ठीक है, दूसरी क्लास आती है हमारे पास साइलोप्सिडा प्रिमिटिव टेरिडोफाइट होता है जिसका साइलोटम एग्जाम्पल और राइना याद रखनी है, लिविंग फॉसिल या फॉसिल। ठीक है, ये क्या है, ये क्लास है इसकी, और ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं। राइट, एक क्लास होगी साइलोप्सिडा, दूसरी क्लास आ गई लाइकोप्सिडा। क्या क्लास है, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा की एग्जाम्पल क्या याद रखोगे बच्चे, लाइकोपोडियम्स, इसको क्लब मॉइसिस भी बोलते हैं। थर्ड स्पिनोप्सिडा, एग्जाम्पल इक्विस्टम, और फोर्थ फिलिसिना, एग्जाम्पल ड्रायोपेटेरिस या एंटीटम एडियंटम वॉकिंग फर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये नज़र पड़ गई मुझे, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना आप लोग, क्या है ये एडियंटम ड्रायोपेटेरिस एडियंटम जो है फेल्सिनिया क्लास की एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट के अंदर, इसको हम लोग वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, एजोला एक्वेटिक फर्न भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट फर्न यूज्ड इन बायोफर्टिलाइजर। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ठीक है, तो इसका आप लोग आगे कर सकते हो, जैसे लाइफ साइकिल है इसकी, प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट है ना, ये 2N होती है। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, स्पोरोफिल होंगे, कौन से, स्पोरोफिल कैसे हो सकते हैं, अगर होमोस्पोरस होंगे तो सेम गैमेट, हेटरो तो दो टाइप के गैमेट एक प्लांट पे होंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरिंजिया जो 2N के लाए, उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे 2N, उन स्पोर मदर सेल्स में होगी मियोसिस, मतलब क्या होगा, 2N से N बन जाएगा, बन गया स्पोर जिसको N बोलते हैं। तो इससे क्या बनेगा बच्चे, N से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट प्रोथैलस है ये क्या बनाएंगे, मेल सेक्स ऑर्गन्स, क्या बनाएंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडिया क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइट, आर्चिगोनियम एग, दोनों में होगी सिनगेमी, मतलब सिनगेमी इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या बनेगा, 2N जाइगोट बनेगा, मतलब N था स्पोर, दो स्पोर मिलके 2N जाइगोट बना दिया, और वो जो जाइगोट है आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से दोबारा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी टेरिडोफाइट की। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, आपको याद होना चाहिए अच्छे से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे इसकी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको पता है, सॉइल बाइंडिंग में हेल्प करेगा, सॉइल इरोजन्स को प्रिवेंट करेगा, इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिंस। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन ऑर्नामेंटल प्लांट जो आपको घर में डेकोरेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, बहुत सारे। इट इज़ यूज्ड इन फूड, फूड में भी यूज़ होती है ना, वेजिटेबल्स में भी यूज़ होती है। इक्विस्टम इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग ऑफ मेटल, बहुत सारे मेटल को पॉलिश करने में भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेरिडोफाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूर टेरिडोफाइट्स, राइट, हमने टेरिडोफाइट्स को यहाँ पर डिस्कस किया, जिसके करेक्टर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन लाइफ साइकिल, बस इतना ही आप लोग करोगे। ठीक है बच्चे, इसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था और अभी भी किया है, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स पे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, क्लासेस पे, करेक्टर्स पे और लाइफ साइकिल पे ध्यान दोगे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू क्लास।